थोड़ा पीछे एक पीछे रहो ना थोड़ा, सबसे मिलेगा ना जी। ऐसे पीछे लाइन में रहियो, बस पीछे नहीं लाइन में रह जाइयो, उनको बुला लो। जी सर, क्या बताएंगे, राष्ट्रपति अवार्ड से आपको बिजली संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। देखिए, हरियाणा बिजली में पहले ही बहुत आगे चल रहा था और अब जो मिला है हमें उसमें सौर ऊर्जा संरक्षण में पूरे देश में हमें केवल दो ही प्राइज थे, फर्स्ट और सेकंड। उसमें हरियाणा को बड़ी स्टेटों में, हमारे साथ आंध्र प्रदेश भी था, उत्तर प्रदेश भी था, उसके साथ आपका वेस्ट बंगाल भी था, तमिलनाडु था। हम पहले छोटी स्टेटों में थे, अब हमें बड़ी स्टेट में चयन कर लिया, बड़ी स्टेट में सबसे छोटा राज्य और हमें सेकंड प्राइज मिलना बहुत बड़ी बात है। ये मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री का और स्टेट गवर्नमेंट का और लोगों का, हमारे जितने अधिकारी हैं इस चीज़ से लेकर नीचे तक, उन सब की मेहनत से हमें ये अवार्ड मिला है। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है इस अवार्ड के बाद आपकी? देखिए, हमारा हौसला बुलंद हुआ, हम चाह रहे हैं लोगों को बढ़िया से बढ़िया बिजली का अच्छा प्रबंध हो, लोगों को फ़ायदा मिले, उनका जो हमें ऊपर से जो शाबाशी मिली है उससे हमें ज़्यादा मेहनत करने का हौसला मिले। 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं इसमें किस प्रकार से फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से? देखिए, ये जो बाई इलेक्शन हुआ है इसके बाद लगता है कि एक तरफा इलेक्शन होगा। लोगों ने कांग्रेस की लीडरशिप को नकार दिया है, लोगों ने आज के दिन नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा नेता, एक जन नायक के रूप में उसे स्वीकार कर लिया और पिछले लोकसभा का रिकॉर्ड रहा है कि अब तक कोई भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बने। इंदिरा जी भी एक बार 1977 के चुनाव में ब्रेक मिल गया था और ये वो आदमी होंगे जो तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज पहला प्रोग्राम है आपका हरियाणा के अंदर, तो किस प्रकार लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, पहला प्रोग्राम तो नहीं कह सकते, हरियाणा में तो रोज ही घूमता हूँ मैं, मतलब ये आप अवार्ड के बाद जा रहा था कुरुक्षेत्र। मुझे कुछ लोगों का ये था, वर्करों का, कि होके रुक के जाए, तो मैं इनमें रुक के जा रहा हूँ, मिल के जा रहा हूँ, रेगुलर आता हूँ, हमारी टीम है, पुरानी सदा से साथ रहे हैं। Oh
ट्रस्ट बन गई।